हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिज्ञासा। में आज हम बनाएंगे पनीर बॉम्ब्स। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलो देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसमें हमें कद्दूकस कर लेना है। फिर हमें इसमें ऑनियन डालना है, 2 बड़े ऑनियन जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। दो बड़े चम्मच मैंने बेसन डाला है इसमें और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाला है। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और जल्दी से बन जाएगी। फिर हमें इसे को एक डो बना देना है। अब हमें उसका बॉल्स बनाना है। इस तरह बनाने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर एक चीज क्यूब रखा है छोटा सा। फिर हमें चारों तरफ से उसे पैक कर देना है और एक बॉल बना देना है। देखो हमारा बॉल तैयार हो गया है। अब सारे बॉल हमें इसी तरह तैयार कर देना है। सारे बॉल तैयार हो गए हैं। अब हम एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालना है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हमें मिक्स कर देना है। उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। फिर हमें इसमें बॉल्स डालकर उसे चारों तरफ से कोट कर देना है। यहाँ पर मैंने 12 वेफर्स को मिक्सी में मिक्स कर दे। आप कोई भी ले सकते हो। मैंने बालाजी की वेफर्स ली है। आप कुरकुरे कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नमकीन। जो सारे बॉल्स हो गए थे यार। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें बॉल्स डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फ्राई करने देंगे। हमारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। जो उसका कलर ऐसा आना चाहिए, हल्का सा गोल्डन। पनीर बॉम्ब्स तैयार हो चुके हैं। बच्चे इसके देखकर ही बहुत खुश हो जाएंगे और शौक से खाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।